मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा कौसा में अब तक लगभग 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब तक कई लोग क्वारंटाइन भी किए गए हैं, मगर क्वारंटाइन किए गए मुमरा कौसा का एक परिवार किस तरह से वीडियो जारी कर वहां की लापरवाही और बदहाली बता रहे हैं। आपको बता दें कि कालशेखर अस्पताल के कर्मचारी जो पॉजिटिव पाया गया था, उसी का परिवार, माता पिता और बहन थाने में क्वारंटाइन किए गए हैं और क्वारंटाइन सेंटर से ही इन लोगों ने वीडियो जारी किया गया। और इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं है, खाने पीने की काफ़ी तकलीफें हैं और 9 दिनों से ये लोग एक ही कपड़े पहने हुए हैं। शासन प्रशासन से ये लोग व्यवस्था को लेकर सवाल कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा वीडियो भी जारी की है। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग यहाँ बहुत तकलीफ में हैं। हम लोग को खाना पीना टाइम पे नहीं है, कुछ नहीं है, सब तेज़ आता है, कच्चा आता है या तो इतना कड़क होता है कि खाया नहीं जाता है। हम लोग बहुत इसमें हैं, ना कन्हाने को हम लोग को पानी है, ना कपड़ा है। आज 8 दिन हो गए हम लोग एक एक जोड़ी पे ही है। ऐसा थोड़ी ना होता है, हम लोग का नेगेटिव रिपोर्ट्स आया है, हमको हमारे घर भेज दो। हमारी फैमिली प्राइवेट में इलाज कर रही है, हमको उससे कोई परेशानी, और हमको भी यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं, हम बीमार वीमार कुछ नहीं है, अल्लाह के फजल करम से हम अच्छे हैं। लेकिन हमको यहाँ से निकालो बस, हमको यहाँ नहीं रहना है। हमको यहाँ रह के हम गंदगी में और तकलीफ़ हो रही है हमको। मेरे को लेडीज़ प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता है। आज मैं अपने घर में रहती थी तो मैं अपनी सुविधा खुद कर सकती थी, लेकिन यहाँ मेरे को कोई कुछ नहीं है। इससे बेटर है आप हमारे साथ दीजिए और हमको हमारे घर पे छोड़िए। हम हमारे घर में लॉकडाउन हो जाएंगे, हम हमारे घर में क्वारंटाइन रह जाएंगे, हम हमारे घर में खिचड़ी बना के खाएंगे, लेकिन हमको यहाँ नहीं रहने का है। हमको यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता है, कोई नहीं, हमारे फ्लोर पर कोई भी नहीं है, हम 3 नहीं है। रात में मेरे अब्बा अकेले रहते हैं, उनको भी कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होएगा? बीपी के पेशेंट है वो। हाँ, हमको टाइम पे नाश्ता नहीं है, टाइम पे खाना नहीं है, सब कच्चा कच्चा आता है, तो कैसे खाएंगे हम लोग? हम लोग की मजबूरी आप लोग भी समझो, आप लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा हम लोग की मजबूरी? दाल चावल खा खा के हम लोग के पेट में गैस हो गया है। खुदा ना खास्ता हमको कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होएगा? गवर्नमेंट होएगा। इससे बेटर है आप हमको हमारे घर पर छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग यहाँ पर बहुत तकलीफ में है, हमारे को पेट में खाना नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग नहाए नहीं 8 दिन से, न कुछ है, न पीने को गर्म पानी है, ना नहाने को कुछ है। हम लोग कितनी तकलीफ में, यहाँ खाना आता है इतना तेज खाना रहता है कि खाया भी नहीं जाता। मेरे आदमी की तबीयत खराब हो रही है, कल को मेरे आदमी को कुछ हो गया तो मुझे कौन देगा भर के? उसका जिम्मेदार कोई होगा क्या? जबरदस्ती है हम लोग को बिठा के रखे ले, हम लोग को जाना तो ना हमारे घर पर, हमारे बच्चों को आए तो हमारे बच्चे उधर आए ना, उनका इलाज हो रहा है। हम लोग कह रहे हैं 1 रुपये की गोली नहीं है हमको, इधर टॉप को काय को रखे इधर। हम लोग अपने घर में जाके कुछ कर सकते बंद करके, हम लोग बाहर भी नहीं निकलेंगे। खाना हमसे खाए नहीं जा रहा है, बहुत तकलीफ है। और हमारा मुझे तो आया फिर भी हम लोगों के यहाँ से छोड़ते नहीं है। नमाज की दिक्कत है, नाने की भी तकलीफ है, गंदा पानी नाना पड़ता है, वो भी मुश्किल है। कपड़े एक ही जोड़ी है हमारे पास, ये सब मुश्किलों में हम बहुत परेशान हैं। अच्छे अच्छे हैं कि तुम हमारे को यहाँ से ले चला तो बहुत मेहरबानी होगी। एक तरफ शासन प्रशासन कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन किए हैं, मगर इसके साथ साथ जो मरीज़ हैं, चाहे वो क्वारंटाइन हो या फिर पॉजिटिव रिपोर्ट आई हो, उनकी देखभाल जब सही तरह से होगी तभी जाकर ठीक सुरक्षित अस्पताल से या क्वारंटाइन सेंटर से घर लोग वापस अगर मुस्कुराते हुए लौटेंगे तभी असली जीत कोरोना से हो पाएगी। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।